नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। संतान के जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। नए संतान महिलाएं भी इस दिन संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। निःसंतान माताएं इस दिन व्रत करके संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे कुछ सरल उपाय जिनसे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अहोई माता और शिव जी को दूध और भात का भोग लगाएं, साथ ही उस दिन बने खाने का आधा भाग गाय के लिए निकाल दें। निःसंतान माताएं अहोई अष्टमी के दिन चांदी की 9 मूर्तियां लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। वो माता अहोई माता को अर्पित कर अपनी मनोकामना मांगे। अहोई माता को सफेद फूल की माला अर्पित करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। संभव हो सके तो घर में जितने भी सदस्य हैं उतने पौधे लगाएं, साथ में एक पौधा और लगाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। अभी तक आपके घर में नाती पोते की आवाज नहीं गूंजी है तो अहोई माता की पूजा के बाद अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। साथ ही शाम को पीपल पर दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करते हुए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे। अहोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए स्त्री पारद शिवलिंग का नियम से दूध से अभिषेक करें, साथ ही माता गौरी से भी प्रार्थना करके संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे। संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन से 45 दिनों तक गणपति की मूर्ति पर बिल्व पत्र चढ़ाएं और हर रोज ओम पार्वती प्रिय नंदाय नमः मंत्र का 11 माला जप करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।